हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो कैसे हो आप सब। मैंने आज आपके लिए छोटा भीम बनाया है, आप देख सकते हो हीरा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप वो कलर यूज़ करना। मैंने कौन से कलर यूज़ किया इसमें, मैंने पेंसिल कलर यूज़ किया है। सो अगर आपके पास पेंसिल कलर है तो आप पेंसिल कलर यूज़ करना, अदरवाइज आपके पास क्रियोन कलर या जो भी कलर है आप वो कलर कर सकते हैं इसमें। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो को फुल वॉच करना। आपको ये फोर साइज की शीट लेनी है और मार्कर लेना है, उससे आप ड्रॉ करोगे। आप क्या ड्रॉ करोगे, छोटा भीम। सो पहले हम फेस ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आप कर्व में अपने मार्कर को मूव करोगे। ओके, इसके बाद हम आइज बनाएंगे। ये हमने आइज़ के लिए ड्रॉ किया है और ये हमने नोज़ बनाई है। सो अब हम कंप्लीट आई ड्रॉ करते हैं, हम दोनों आई ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप करोगे आइज ड्रॉ, इसके ऊपर आई ब्रो बनाओगे आप, फिर आई बॉल बनाओगे इसके अंदर, स्मॉल आई बॉल, देन बिग, और फिर उसके बाद आप स्मॉल बनाओगे। अभी तक हमने पूरा कर्व में किया है, अब हम इसकी स्माइल बनाते हैं। स्माइल के बाद हम माउथ बनाएंगे। सो इस तरीके से हम इसमें माउथ बनाएंगे। अगर हम इस तरीके से करते तो ऐसा लगता है कि स्माइल कर रहे हो। फिर हम टीथ बनाते हैं इसके बाद, और इसके बाद हम लास्ट टंग बनाएंगे। डन। ओके, अब इसको हम आगे तक ले जाएंगे और यहाँ पर हम ईयर ड्रॉ करेंगे। ईयर ड्रॉ करने के बाद हम हेयर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से कर्व करोगे, फिर वन मोर कर्व, और इसका पूरा राउंड शेप में ले जाके इसको यहाँ पे लास्ट में जॉइंट कर दोगे ईयर के पास। अब एक छोटी सी हम चोटी बनाएंगे। इसके बाद फिर हम हैंड बनाते हैं। तो हैंड हम इस तरीके से बनाएंगे, आप सब देख सकते हो कि कैसे बना रहे हैं। फिर इसको हम स्ट्रेट ले जाके देन फोल्ड कर देंगे हम यहाँ पे, और इसको हम सीधा लाएंगे नीचे की ओर। अब हम इसका दूसरा हैंड बनाएंगे, तो दूसरा हैंड भी हम सेम एज इट इज बनाएंगे, और ये हमने येलो स्ट्रिप के लिए लाइन ड्रॉ की है। हमने वन मोर लाइन ड्रॉ की है येलो स्ट्रिप के लिए, और ये हमने इधर कर्व लाते हुए और यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे इसको। फिर हम टमी बनाएंगे और इसको हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम फिंगर बनाते हैं। तो देखिए आप कैसे बना रहे हैं हम फिंगर, बहुत ही आसान तरीका है, आप भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, और इसको यहाँ पे आप जॉइंट कर दोगे। अब नीचे का हम बनाते हैं इस तरीके से कर्व लाके, देन यहाँ पे जॉइंट। अब इसके बाद हम शूज़ बनाएंगे। ये हमने एक शूज़ बनाया, सेकंड शूज़ भी हम बनाते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका, आप सब ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, ये इतना टफ नहीं है। हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये देखिए अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। हल्की हल्की फिनिशिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए हमने इसका गले में लॉकेट बना दिया है और माथे पर तिलक लगा दिया हमने। सो ये छोटे बच्चों का बहुत क्यूट होता है, फेवरेट होता है सबका, तो मुझे पता है कि सब बच्चे ड्रॉ करेंगे इसको, है ना। अब देखिए हम ये जो आई बोल है हम इसको ब्लैक कलर से फिल कर रहे हैं। तो आपके पास अगर मार्कर है आप मार्कर से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैक कलर से लाइक क्रियोन कलर से भी कर सकते हो।
या जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है आप उस कलर से कर सकते हो। तो हम दोनों आईज ब्लैक फिल कर देंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा स्मॉल, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, उसका हम वाइट स्पेस ऐसे रहने देंगे क्योंकि उससे थोड़ी अच्छी लगती है आईज हमारी। कार्टून की छोटा भीम, सब बच्चों का फेवरेट। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि आपको छोटे भीम की ड्राइंग चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको छोटा भीम कराता हूँ। सो अगर आपको लगता है कि और भी कोई कार्टून बनाना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा कार्टून बनवाना है, सो मैं पक्का बनाऊँगा। अब हमारे छोटे भीम की स्केचिंग हो चुकी है, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो हम पहले हेयर में कलर करेंगे, तो हम कर रहे इसमें ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर कर रहे हैं। तो आप भी इसको पूरा फिल करना, तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करना। कोई भी टेढ़ी मेढ़ी पेंसिल नहीं चलाएगा, जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ पेंसिल को आप भी इस तरीके से ही करना, तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। और आराम से बनाना, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी बनाओगे, नहीं, आपको बहुत स्लो स्लो बनाना है, क्योंकि जितना हम अपनी ड्राइंग को टाइम देंगे वो उतनी अच्छी बनती है। अब देखिए आप भी इस तरीके से मिक्सिंग करना, और ये बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, मेरे छोटे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसको करोगे और इसको पूरा फिल करोगे हेयर को। अगर आपको डार्क कलर करना है तो आपका जो पेंसिल कलर है आप उसको ज़्यादा प्रेस करोगे तो वो डार्क चलेगा, अगर आप उसको हल्के हाथ से रखोगे तो वो लाइट चलता है। तो देखिए अब डार्क चल रहा है ना, तो मैंने वो प्रेस किया हुआ है ज़्यादा, तो इसलिए वो डार्क है, और पहले लाइट चल रहा था क्योंकि मैंने वो प्रेस नहीं किया हुआ था। सो मैं दो बार कर रहा हूँ, आप तीन बार कर सकते हो, क्योंकि हम जितनी अच्छी फिनिशिंग देंगे वो उतना अच्छा लगेगा। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो करिए आप बिल्कुल पेशेंस से, ये नहीं कि आपको ख़राब करना है, नहीं, और आपको अपनी शीट पे बिग बनाना है, कोई भी स्मॉल नहीं बनाएगा। अब हम स्किन कलर करते हैं, तो हमारे पास अभी ऑरेंज कलर था, तो ऑरेंज कलर हम कर रहे हैं, बट हम बहुत लाइट लाइट कर रहे हैं, हम डार्क नहीं कर रहे हैं, तो हल्का सा स्किन कलर ही लगेगा। अगर आपके पास नहीं है ऑरेंज कलर है तो आप उसको बहुत लाइटली चलाओगे तो स्किन कलर लगता है वो। तो अब हम इसको पूरी बॉडी में इसको फिल करेंगे। सो देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, जिस तरीके से मूव कर रहे हैं आप भी उस तरीके से ही करोगे, बहुत स्लोली स्लोली। ओके,
अब हमारा ये फिल हो चुका है स्किन कलर। इसके बाद हम आपका जो माउथ है उसके अंदर हम डार्क कलर करेंगे। डार्क हमारे पास ब्राउन है तो हम ब्राउन करेंगे और उसको अच्छे से ब्रश करेंगे। आप देख सकते हो जो हेयर में कलर है और जो मैं माउथ में कर रहा हूँ ये सेम कलर है, बट दोनों की टोनिंग अलग है। वो इसलिए अलग है, मैंने इसको यहाँ पे ज़्यादा प्रेस किया था तो इसलिए उससे ज़्यादा डार्क चला है। सो आप भी इस तरीके से ही करोगे, आपको जहाँ भी डार्क चलाना है आप वहाँ पे उसको ज़्यादा प्रेस करोगे। टंग हमेशा या तो पिंक कलर की या रेड कलर की बनानी चाहिए हमें, ये नहीं कि आप ब्लू कलर की बना दोगे, नहीं। ओके रेड या पिंक, ओके। सो देखिए हमारी अगर आपको लगता है कि गलत हो जाता है तो इरेजर से इरेज हो जाता है पेंसिल पर। और फिर हम इसमें येलो कलर जो इसका बैंड है उसमें येलो कलर फिल करेंगे दोनों हैंड में, और जो उसके गले में लॉकेट है छोटे भीम के उसमें भी हम येलो कलर फिल करेंगे। सो वो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, नीचे का हमारा बचा हुआ है सो हम फटाफट वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे शूज में भी ब्राउन कलर करते हैं तो हमने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लिया है। सो हम दोनों शूज में कलर फिल कर लेते हैं, आप भी करना अच्छे से। इसके बाद हम आगे कलर करेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज कलर करते हैं, हमारे पास डार्क ऑरेंज कलर था सो ये फटाफट कर लेते हैं हम। तो आप देखते रहिए हमने किस तरीके से किया है। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, आप भी अपना जल्दी से बनाइए, अच्छा बनाइए, और जैसे ही आपका बनता है तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सो बाय एवरीवन, टाटा।